डिफाइन करो, ये बंगला पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है और इसमें अंडरग्राउंड सोलार होगी और इसी पैलेस में गोविंदा की फिल्म हसीना मान जाएगी मूवी की शूटिंग हुई है। तो अभी पैलेस के ऊपर में देखो माउंटेन की टॉप पे जो व्हाइट कलर की बड़ी सी चर्च दिख रखो, इस चर्च का नाम है सेंट लॉरेंस चर्च। पुर्तगाली टाइम की यह चर्च करीब करीब 400 साल पुरानी है और इसी चर्च के सामने शाहरुख खान की फिल्म जोश मूवी की शूटिंग हुई है। इस चर्च के सामने जोश मूवी की शूटिंग हुई है। तो अभी बोर्ड के सामने की तरफ देखो, बोर्ड के सामने की तरफ थोड़ा सा राइट साइड में जो पानी के लेवल के ऊपर आपको लंबी लाइन में जो रूम्स दिख रहे, दरअसल वो एक जेल है और इस जेल का नाम है सेंट्रल जेल ऑफ अगवादा। ये जेल पूरी की पूरी अंडरग्राउंड जेल है और इसी जेल में वतन के रखवाले और कयामत मूवी की शूटिंग हुई है। जो हाइट में दिख रहा है दो विंडो उधर जेंट्स कैदियों को रखा जाता था और जो नीचे लंबी लाइन में रूम से उधर लेडीज कैदियों को रखा जाता था। तो अभी जेल के ऊपर में देखो माउंटेन के टॉप पे जो व्हाइट कलर का राउंड पिलर दिख रहा है, जो व्हाइट कलर का राउंड पिलर है ये पुर्तगाली टाइम का लाइट हाउस है। फिलहाल ये लाइट हाउस नहीं चलता है तो गोवा गवर्नमेंट ने उसके राइट साइड में अपना नया लाइट हाउस बनाया है। जो व्हाइट कलर दिख रहा है आपको फोर स्क्वायर वाला पिलर, ये नया लाइट हाउस है और नया लाइट हाउस सोलर एनर्जी के ऊपर चलता है। और वहीं पर है गोवा का फेमस फोर्ट अगवादा, जो नीचे से ऊपर तक पत्थर की बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये फोर्ट अगवादा की बॉर्डर है और इसी फोर्ट पे दिल चाहता है सिंगिस ब्ली और बागी टू मूवी की शूटिंग हुई। इस फोर्ट पे दिल चाहता है सिंगिस ब्ली और बागी टू मूवी की शूटिंग हुई। तो अभी बोर्ड के सामने की तरफ देखो, बोर्ड के ठीक सामने की तरफ जो पूरा का पूरा समंदर दिख रहा है ये अरेबियन सी, ये अरब महासागर है और जो भी कोई मुंबई गुजरात या केरला जाने वाले बड़े जहाज इसी रूट से जाते और उधर किसी को जाने की परमिशन नहीं। जो भी कोई पानी में ट्रेवल करता है वो पैलेस उसको भी दिखता है और जो प्रेजेंट गवर्नर है गोवा का जो उसमें रहता है उसका नाम है सत्यपाल मलिक और उस प्लेस का नाम है दोना पावला और उसी प्लेस पे एक जेटी है, उस जेटी पे सिंगम फिल्म की शूटिंग हुई है।